नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RBS CVT HSM के अंदर। देखिए, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही थी, ठीक है। तो उसके अंदर ही हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, और आगे बढ़ने के अंदर जो वीडियो आज हम पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे उसमें क्या दे रखा है। बोर्ड एग्ज़ाम 2016 में जो क्वेश्चन आया था हमारे पास, बोर्ड एग्ज़ाम 2016 के अंदर ही ऊंचाई और दूरी प्रश्नावली 8 है हमारे पास कक्षा 10th में, उससे जो क्वेश्चन आया, ठीक है, उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया तरीके से समझना है, और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, उसको बढ़िया तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है ये। एक मीनार के पाद से, देखो क्या बोल रहा है। पाद यानी होता है आधार, क्या होता है आधार, नींव कह सकते हैं जिसको, ठीक है। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद से वही आधार से, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 48 मीटर हो, मीनार की ऊंचाई तो कितनी है, 48 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा ध्यान देना, मीनार जो होती है वो भवन से ज्यादा ऊंचाई पर होती है, क्या होती है, ज्यादा ऊंचाई पर भवन। मीनार थोड़ी, मीनार की ऊंचाई ज्यादा होती है, भवन की ऊंचाई कम होती है। ओके, अगर वो मीनार से ऊंचा कुछ बोलेगा तो फिर उसको क्या बोलेगा, वो बहुमंजिल यानी फ्लैट के रूप में बोलेगा। अगर भवन ही बोल रहा है तो छोटा है, इसकी ऊंचाई क्या होगी, कम होगी। ओके, तो उसी अनुसार डायग्राम बनेगा। जैसे देखिए, ये तो बना लिया मैंने मीनार, ये बना ली मैंने मीनार यहाँ पर। ओके, बन गई मीनार, ये लीजिए, क्या है ये मीनार। इस मीनार को, ये तो मीनार हो गई, और ये मीनार का आधार हो गया हमारे पास ये वाला, और ये हो गया मेरे पास भवन, ठीक है। दोनों धरती पर ही खड़े रहते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास ही भवन का आधार, ये क्या है भवन, ये लीजिए, ये भवन हो गया, ये मीनार हो गई, ये मीनार का शिखर हो गया, ये मीनार का आधार हो गया, ये भवन का शिखर हो गया, और ये भवन का आधार हो गया। ओके, समझना, देखो क्या बोल रहा है ये। एक मीनार के आधार से एक भवन के शिखर का, मीनार के आधार से, ध्यान रखना, मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी ऊपर की ओर, ये वाला कोण कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री है। और भवन के पाद से शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये वाला, ये कोण कितना है, भवन के पाद से, देखो ये भवन के पाद से मीनार के शिखर का ये वाला उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 48, मीनार की ऊंचाई दे रखी है मैं टोटल ये वाली 48 मीटर, कितनी है 48 मीटर, ये वाली, तो भवन की ऊंचाई यानी आपको ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो नाम दे देते हैं इसको, देखो इसको नाम दे दिए मैंने ए, ए बी, ये सी और ये डी, नाम दे दिया। ओके, अब देखो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज तो देखो ये वाला है मेरे पास, ये वाला देखो बड़ा ही, ठीक है, और दूसरा समकोण त्रिभुज ये वाला है, देखो ये बड़े वाला। इन दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर, समझ लेना, देखो कंफ्यूज मत हो ना इसके अंदर, बढ़िया तरीके से देखो ताकि बढ़िया तरीके से आपके समझ में आए। एक समकोण त्रिभुज तो ये हो गया ए बी सी, ठीक है। कोण बी क्या है मेरे पास, पूरा कोण बी है 90 डिग्री, ठीक है, और कोण सी बी क्या है, पूरा 90 डिग्री। ओके,
90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये एसी, और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली ए बी। ओके, लेकिन इससे हमें 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं, मेन चीज़ हमारा थीटा का बन रहा है। 60 डिग्री यहाँ पर है, 48 यहाँ पर है। ओके, तो दो समकोण त्रिभुज हमारे पास, दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर कौन सी भुजा कॉमन है, ये वाली भुजा। समकोण त्रिभुज देखो, समझो दोबारा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये बी सी कॉमन, बी सी हमारे पास, और समकोण त्रिभुज डी सी बी में ये बी सी कॉमन है। दोनों समकोण त्रिभुजों में बी सी का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास भवन की जो ऊंचाई है, मेरे पास भवन की ऊंचाई को मैंने मान लिया एच, भवन की ऊंचाई को क्या मान लिया मैंने एच, ये एच का मान निकल कर ही आ जाएगा। ओके, करते हैं सरल। समकोण त्रिभुज पहले ले लेते हैं हमें ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। फिर ले लेंगे इसके बाद समकोण त्रिभुज ये वाला बी सी डी में। ओके, कर देते हैं सरल। देखो, समकोण त्रिभुज एबीसी में आ जाओ, ए बी सी में थीटा यहाँ पर है, ठीक है, तो ये लंब हो गया, ए बी क्या हो गया लंब, बी सी क्या हो गया आधार, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा हो गया टेन थीटा, ए बी को माना है हमने एच, ये एच ले लीजिए, बी सी कितना है ज्ञात करना है, बी सी को भी ऐसे कैसे रख लीजिए, ओके ये लीजिए। फिर टेन कितना है मेरे पास, यहाँ पर है टेन ए बी सी में थीटा, ये है मेरे पास 30 डिग्री, थीटा कितना है 30 डिग्री, ये लीजिए। ये वाला नहीं है क्योंकि देखो ए बी सी में तो थीटा यहाँ पर होगा, न्यून कोण तो यही है, न्यून कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो उसमें थीटा ये है 30 डिग्री, तो एच बट्टे में बी सी बराबर टेन 30 का मान 1/3 कितना होता है, रूट 3 होता है। हमें बी सी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है बी सी का, तो बी सी उससे गुणा हो जाएगा और एच इससे गुणा हो जाएगा, तो बी सी बराबर, बी सी बराबर एच अंडरूट 3, समीकरण फर्स्ट। अब आ जाइए समकोण त्रिभुज बी सी डी में, वही सी डी बट्टे में बी सी, वही टेन थीटा होगा हमारे पास, सी डी दे रखा है हमें 48, बी सी वही बी सी नहीं दे रखा, ठीक है, आधार है बी सी, तो दोनों समकोण त्रिभुजों का, ठीक है, जो ज्ञात करना है हमें, ठीक है, 48/BC, और टेन कितना है इसके अंदर, ये 60 है, इसमें देखो समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है तो न्यून कोण इसका ये होगा, ये वाला, ठीक है, 60, टेन 60 डिग्री, ये लीजिए। ये 48 AC कैसे बट्टे में BC भी AC कैसे, टेन 60 डिग्री का मान होता है अंडरूट 3, कितना अंडरूट 3, तो BC का जब मान निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, BC बराबर अंडरूट 3 इधर आ जाएगा हमारे पास, तो आपके पास आ जाएगा 48/ अंडरूट 3, ये समीकरण सेकंड आ गई, समीकरण क्या आ गई सेकंड, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से देखो, ये भी BC का मान है, BC की वैल्यू ये, और ये भी क्या है BC की वैल्यू, दोनों BC की वैल्यू है, तो दोनों क्या होंगे बराबर बराबर होंगे, BC तो एक ही वजह इसके अंदर, दोनों क्या होंगे बराबर बराबर, इसलिए क्या होगा समीकरण फर्स्ट में सेकंड से, ये लीजिए यहां पर आ गया एच अंडरूट 3। ओके, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 48/ अंडररूट 3। बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान और ईजी होती है, कोई उलझा हुआ सवाल ही नहीं आता है। अब देखो ये सवाल देखो, इसमें डायरेक्टली एच का मान, भवन की ऊंचाई क्या मानी थी मैंने एच, यहाँ डायरेक्टली एच उत्तर निकल कर आ जाएगा, देखो एच इधर ऐसे कैसे रख लो, ये अंडररूट 3 इधर गुणा में उधर अगर भाग में जाएगा तो आपके पास क्या आएगा 48/√3 √3, तो आपके पास रहेगी 48, अंडर 3 को गुणा करेंगे अंडर 3 से तो 3,
अब 3 से देखो आसानी से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, कितना आ गया 16। यानी जो एच का मान है वो कितना आ जाएगा, एच का मान आ जाएगा आपके पास से 16 मीटर। एच का मान कितना आ गया 16, यानी जो भवन की ऊंचाई है ठीक है ये कितनी आ गई 16 मीटर। और यही पूछा था इसने कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी, देखो भवन की ऊंचाई क्या आती कीजिए, तो हमारे पास भवन की ऊंचाई क्या निकल कर आ गई इसके अंदर ही 16 मीटर निकल कर ही आ गई। ओके आ गया है। कई बार 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 कभी टेस्ट में भी टीचर पूछता है, हाफ ईयरली में पूछता है, ठीक है, तो जितने भी एग्जाम और टेस्ट है उनके अंदर के क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो उसको बढ़िया तरीके से देख कर जाना। इसमें दो तरह की ऊंचाई होती है, एक तो पेड़ के टूटने के बाद की ऊंचाई ज्ञात करनी होती है हमें, एक पेड़ के टूटने से पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी वो ज्ञात करनी होती है हमें। तो मैं आपको दोनों ही ज्ञात करना बताऊंगा इसके अंदर, आप वीडियो को गौर से देखते रहें। देखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ छू लेता है, जमीन को, इसके मतलब जमीन को, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद यानी आधार, नीम जहाँ पेड़ उगता है ठीक है, पेड़ के पाद यानी आधार बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 3 मीटर है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो हम कल्पना कर लेंगे कि ये एक पेड़ है हमारे पास, क्या ये एक पेड़, ये पेड़ है मेरे पास ठीक है, ये पेड़ की जड़ें होती है ना मेरे पास वाली, ओके, और ये जमीन, ये क्या है जमीन, ये पेड़ का तना ठीक है। पहले देखो ये जो पेड़ है वो इतनी ऊंचाई पर था ठीक है, लेकिन क्या आंधी आई है हमारे पास, आंधी आ गई यूं, आंधी आई यूं ठीक है, अब पेड़ का जो हिस्सा था वो यहां से कमजोर था, यहां से, अब यहां से क्या है पेड़ टूट गया नीचे की ओर, टूट गया, और टूटने के बाद ही जमीन को छूने लग गया, पेड़ भी बना देता हूं देखो यहां पे आपके लिए, ये लीजिए ठीक है। अभी क्या है ये पेड़ ठीक है, पेड़ है, यहाँ से टूट गया, ये टूटने के बाद इसका जो ऊपर का हिस्सा वो नीचे आ गया इधर, और जमीन के साथ यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये कोण बना रहा है हमारे पास ये शीर्ष इसका, ये यहाँ पर ये वाला जो कोण बना रहा है ये 60 डिग्री का बना रहा है, कितना बना रहा है 60 डिग्री का, ये जो शीर्ष छू रहा है ना यहाँ पे, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु सेम है ठीक है, समझना ठीक है। तो यहाँ पर धरती ये टूटा, यहाँ से टूट के फिर इधर घूम के नीचे गिर गया, और ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा सेम है ठीक है, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी, सेम होगी, इसके अंदर बराबर बराबर होगी, कोण बन रहा है 60 डिग्री का। फिर क्या बोल रहा है, पेड़ का आधार और पेड़ का शीर्ष इनकी बीच की दूरी कितनी दे रखी है 3 मीटर, कितनी दे रखी है 3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई यानी पेड़ की ऊंचाई देखो, एक तो यहाँ से टूटने के बाद और एक टूटने से पहले यहाँ से, तो फिलहाल तो क्या पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो हमें टूटने के बाद जो ऊंचाई है वो ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में टूटने से पहले उसकी ऊंचाई क्या होगी वो भी हम ज्ञात ही कर लेंगे। तो उसको नाम दे देखो ए बी सी, समकोण त्रिभुज के आगे हमारे पास ही ए बी सी, भाई पेड़ क्या है धरती पर लंबवत खड़ा होता है, तो यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है जो थीटा हमारे पास, इसमें कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी तो क्या है 90 डिग्री, और जो थीटा का मान है हमारे पास वो 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, तो उसी के अनुसार इसको हमें सरल कर लेंगे। देखो समकोण त्रिभुज यहीं से करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
ए बी सी में, ठीक है। हमें ज्ञात करना है ए बी, क्या ज्ञात करना है ए बी, पेड़ की जो ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी है, ए से लेकर बी तक की ए बी है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो पेड़ की ऊंचाई ए बी है, इधर लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। पेड़ की टूटने के बाद, टूटने के बाद ऊंचाई ए बी, ठीक है। और थीटा में दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है इसके अंदर, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री भी लिख दिया मैंने, देखो ये चीज़ें हमें दे रखी ऑलरेडी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बट्टे में बी सी। अब थीटा यहाँ पर है तो ये क्या हो गया, ए बी लंब हो जाएगा और ये बी सी आधार हो जाएगा, उसके अनुसार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा, टेन थीटा। ये लीजिए ए बी का मान आपको ज्ञात करना है, बी सी का मान दे रखा है 3, और टेन थीटा में थीटा की वैल्यू भी कितनी है, 60 डिग्री। ये लीजिए कितनी है, 60 डिग्री, जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 60 डिग्री। ए बी ए सी कैसे रख दिया मैंने, 3 BAC कैसे, ए बी टेन 60 डिग्री, जो टेन 60 डिग्री है इसका मान होता है √3, कितना होता है √3। ओके, टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3 हो गया हमारे पास। अब आपको तो ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी ये 3 गुणा हो जाएगा किससे, √3 से, 3√3 कितना आ गया, 3√3 आ गया हमारे पास, यानी जो पेड़ की ऊंचाई है 3√3 आ गई। या आप ऐसे भी कर सकते हो, उसके अंदर ए बी बराबर 3 गुणा √3 का मान रख लो, √3 का मान होता है 1.732, ए बी बराबर 3 दूना कितना हो गया 6, ठीक है। 3 तिया कितना हो गया 9, 3 सत्ते 21, 3 गम 3 और 2 5, पॉइंट लगाना, 3 अंक हो क्या ये वाला। ये लीजिए पेड़ की टूटने के बाद जो ऊंचाई है, यानी ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई, ये कितनी आ जाएगी, 5.196 मीटर, ये निकल कर आ जाएगी। अगर आप लोगों से पूछता वो, ठीक है, अगर आप लोगों से पूछता टूटने से पहले उसकी ऊंचाई कितनी है, तो टूटने से पहले तो उसके अंदर हम ये देखो ए सी का मान निकाल लेते साइन थीटा से, ए सी का मान किसे निकालते साइन थीटा से। ए सी का मान निकालने के बाद ए सी और ए बी इन दोनों के मान को आपस में हमें प्लस कर देते तो हमारे पास इस पेड़ की टूटने से पहले क्या ऊंचाई है वो निकल कर ही आ जाएगी। ओके, फिलहाल तो ये आ गया हमारे पास उत्तर इसका, जो बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है इसके अंदर तो आप ए सी का मान निकाल के जोड़ सकते हो उसके अंदर, तो टूटने से पहले वाली ऊंचाई निकल कर ही आ जाएगी। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा, बोर्ड एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है, देखो क्या है। एक मीनार के आधार से 9 मीटर और 25 मीटर दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। परस्पर पूरक का मतलब है कि दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है वे परस्पर एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई, यानी आपको इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, समझना, पहले तो इसका डायग्राम बना लेंगे हम, डायग्राम जरूरी है। ये मीनार है हमारे पास ऐसा, ठीक है, ये बन गई हमारे पास ये मीनार, मीनार हम चलो यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, ये बन गई मीनार, क्या है ये मीनार, ठीक है। अब इसे कह रहा है कि मीनार के आधार से, मीनार के जो आधार है हमारे पास, ये आधार यहां से, मीनार के आधार से दो बिंदु, ठीक है, एक बिंदु यहां पर है हमारे पास और एक बिंदु यहां पर है हमारे पास, ये वाला,
ओके, मीनार के आधार से 9 मीटर, यानी ये वाली दूरी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 9 मीटर, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी है? 25 मीटर, ये वाली दूरी। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितनी है? केवल 9 ही मीटर है, और बाकी टोटल दूरी कितनी है? 25 मीटर। दूरी पर दो बिंदु हैं, ठीक है। और जब इन बिंदुओं से ऊपर की ओर देखा जाता है तो मीनार के शिखर के मुंडन कोण कौन कौन से बनते हैं? हमारे पास परस्पर पूरक है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों के दोनों कोण क्या है? परस्पर पूरक है। अगर मैंने एक को थीटा मान लिया, ठीक है, तो दूसरे कोण को मुझे 90 डिग्री माइनस थीटा मानना होगा, ठीक है। भाई पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? पूरक जो कोण होते हैं हमारे पास, पूरक की कोण, पूरक कोणों का योग वो 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री। अगर मैंने एक कोण, जैसे फर्स्ट कोण है, उसको मैंने थीटा मान लिया, क्या मान लिया? थीटा। तो जो सेकंड कोण है वो ज्ञात करने के लिए मुझे 90 डिग्री में से ये थीटा घटाना होगा, ठीक है। तो इसको मैंने थीटा मान लिया, इसको मैंने 90 डिग्री माइनस से थीटा मान लिया। अब इनका नामांकन कर देते हैं बिंदुओं का। ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ओके, आपको तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो मीनार की ऊंचाई को मैंने एच मान लिया, यानी आपको ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आपको ए बी का मान ज्ञात ही करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहले ले लेंगे हम ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कैसे करेंगे? देखो, ए बी बट्टे में बी सी टेन थीटा, ठीक है। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, ऐसे कैसे? एच का मान रख देंगे, बी सी, बी सी का मान हमें 9 दे रखा है, ये लीजिए। और टेन कितना हमारे पास यहाँ पर? थीटा 90 डिग्री मान लिया मैंने, ठीक है। कितना? टेन 90 डिग्री माइनस से थीटा, ये लिया है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एच ऐसे कैसे, नो भी ऐसे कैसे, टेन है मेरे पास, एक सूत्र बन गया टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये कोट में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया? ये कोट थीटा में चेंज हो गया, ये लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, इसी एच की वैल्यू निकाल लें हम, इसकी वैल्यू निकालते हैं, एच की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि दोनों में कॉमन है एच, तो एच, लेकिन हाँ एच, हाँ एच की मान निकाले, ठीक है। ये लीजिए, एच बराबर 9 गुणा होगा कोट से, तो 9 डॉट कोट थीटा, क्या आ गया? 9 डॉट कोट थीटा। अब आ जाइए आप दूसरे त्रिभुज में, बड़े वाले में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, नाम क्या है इसका? ए बी डी, ए बी डी में, ठीक है, ये वाला समकोण त्रिभुज। इसमें देखो क्या होगा, वही ए बी बट्टे में बी डी टेन होगा थीटा, ए बी का मान वही एच है हमारे पास, बी डी कितना है टोटल? 25, ये कितना है? टेन, ठीक है। थीटा की जगह थीटा रख दो, ये लीजिए, थीटा की जगह क्या आ गया? थीटा। यहाँ भी एच की वैल्यू निकाल लो, एच बराबर 25 गुणा होगा किससे? टेन थीटा से। यहाँ पर तो देखो समीकरण फर्स्ट इंक्लूड कर देंगे, यहाँ पर सेकंड लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, समीकरण फर्स्ट वह सेकंड को गुणा करने पर, गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब गुणा करेंगे तो इधर वाला पक्ष यानी एच गुणा हो जाएगा एच से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एच गुणा एच, ठीक है। और इधर वाला पक्ष इधर वाले पक्ष से गुणा हो जाएगा, यानी 9 गुणा 25, ठीक है, डॉट कोट थीटा, डॉट टेन थीटा,
किया जाएगा। तो देखो कोट और टेन जब गुणा में आते हैं इनका मान कितना हो जाता है, एक। यहाँ तो हो गया एच स्क्वायर बराबर 9 5 45, 45 का 5 हो गया, 9 2 18 हो गया और 4 22 हो गया, ठीक है। वो गुणा होगा किस एक से, यानी एच स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 225। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, एच का मान आ जाएगा आपके पास ही 15। एच का मान कितना आ गया, 15। यानी ये जो मीनार है हमारे पास, इस मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 15 मीटर निकल करे आ जाएगी, और इसका यही उत्तर भी निकल करे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। कैसे किया था हमने देखो, समझना। समकोण त्रिभुज ABC में हमने H का मान निकाला, ये लीजिए, ठीक है। और समकोण त्रिभुज ABD में भी हमने H का मान निकाला। यहाँ समीकरण फर्स्ट आ गई, यहाँ पर समीकरण सेकंड आ गई। समीकरण फर्स्ट में सेकंड को दोनों को परस्पर क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद यहाँ तो आ गया एच स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 225। फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल लिया तो हमारे पास 15 आ गया। यानी जो एच का मान है हमारे पास, यानी मीनार की ऊंचाई, ये हमारे पास से 15 निकल कर आ गई, 15 मीटर जो भी, ठीक है। हाँ, बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ सवाल है। देखो, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। पहले कितना है, 30 डिग्री। ज्ञात कीजिए कि मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर, यानी जहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा था ना, वहीं पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाए। तो बिल्कुल आसान और इजी है। देखो कैसे करेंगे, अपूर्ण मीनार, पहले क्या हमारे पास अपूर्ण मीनार है, पहले हम डायग्राम बनाएंगे। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो पहले हमारे पास देखो मीनार इतनी थी केवल, ये वाली मीनार है हमारे पास, ठीक है। ये है हमारे पास अपूर्ण मीनार। क्या है, अपूर्ण मीनार, अपूर्ण मीनार, ठीक है। इसकी ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक की है, ओके। और यहां आधार से 120 मीटर दूरी पर, कितनी, 120 मीटर दूरी पर एक बिंदु है यहाँ पर। यहाँ से देखो कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का, कितना, थीटा बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। अब इसी बिंदु से इस मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए, ये मान लिया हमने, ठीक है। और कितना ऊंचा किया जाए कि यहीं पर ये कोण कितना हो जाए, ये वाला कोण, यानी ये पूरा जो कोण है ये 60 डिग्री का निकल कर आ जाए मेरे पास, ठीक है। यानी आपको जो ऊंचाई ज्ञात करनी है, आपको जो ऊंचाई ज्ञात करनी है वो इस पूर्ण मीनार की करनी है। किसकी करनी है, पूर्ण मीनार की, ठीक है। यानी पहले मीनार यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, ठीक है। अब ये इसकी ऊंचाई ये हो गई, ये वाली, ठीक है। तो उन्हें कोण 60 डिग्री हो जाए, तो अब आपको जो मान निकालना है वो ये वाला निकालना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आंसर पूछ रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूछ रहा है, ओके। और इसमें वही दो समकोण त्रिभुज है हमारे पास, ये वाले। तो बिल्कुल आसान है, आपको करना क्या है, बड़े समकोण त्रिभुज के लंब में से छोटे समकोण त्रिभुज का लंब घटा देंगे तो हमारे पास ही ये वाली जो दूरी है वो निकल कर ही आ जाएगी। तो नाम दे दीजिए, देखो ए, ये बी, ये सी और ये डी, ओके। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। बाकी कॉमन भुजा देखो, आधार दोनों का एक ही है, सी डी। देखिए गौर से देखना, ठीक है, समकोण त्रिभुज पहले कौन सा ले, ए सी डी में, ए सी डी, ए सी डी में, ठीक है। फिर इसी के बाद में दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेंगे, हमें कौन सा लें, दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेंगे हमें बी सी डी में,
समकोण त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में। ओके, समकोण त्रिभुज जो एसीडी है हमारे पास, उसमें क्या जाएगा, लंब तो है एसी, ठीक है, और आधार है सी डी, टेन थीटा। अब इसमें देखो, बड़े वाले के अंदर है, बड़े वाला त्रिभुज है ना ये वाला, ठीक है, बड़े वाला समकोण त्रिभुज यानी ए सी डी में, इसमें जो कोण है हमारे पास वो 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेन ए 60 डिग्री, ए सी, ए सी कैसे, ठीक है, और सी डी का मान 120 है, ये रख दिया हमने। ओके, थोड़ा यहाँ निकलो, बराबर में 10 60, ये लीजिए ए सी का मान ए सी कैसे, और 120 भी फिलहाल ए सी कैसे, 10 60 डिग्री का मान होता है अंडर √3, कर देंगे यार हमें तो ए सी का मान निकालना है, ए सी, ए सी कैसे, ये लीजिए, और से गुणा करेंगे तो 120 गुणा हो जाएगा अंडर √3 से, तो आपके पास आ जाएगा 120 अंडर √3 मीटर, समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार समकोण त्रिभुज बी सी डी में भी हम लंब का मान निकाल लेंगे, यानी बी सी का मान ज्ञात ही कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बी सी, बी सी बट्टे में सी डी, वही 10 थीटा, बी सी का मान ऐसे कैसे, सी डी का मान 120 है ही, और 10 कितना है इसमें, 10 30 है, 10 है 30 डिग्री, बी सी ऐसे कैसे, 120 भी ऐसे कैसे, बराबर 10 30 डिग्री का मान 1/2 कितना होता है, √3 होता है, वही वजह गुणा करके सरल करेंगे इसको भी, तो बी सी का मान निकल कर आ जाएगा हमारे पास ही 120 बट्टे में √3 मीटर, समीकरण सेकंड। अब मैंने क्या कहा था आपको, तो ये वाला मान निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, ये वाला मान आपको ज्ञात करना है, यानी आपको ए बी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, ए बी का, और ए बी का मान जब आप निकालोगे तो आपको ए सी, ए सी में से क्या घटाना होगा, बी सी का मान, देखो चेक करके देख लेना, बोले यही आएगा हमारे पास, ठीक है, ए सी कितना आ गया 120 √3, बी सी कितना है 120 बट्टे में √3, कर लेंगे सर इसको। देखो सरल करने का तरीका देखना, √3 गुणा होगा √3 से, ठीक है, या लेसे लेके भी हल कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 360 भाई, 3 गुणा होगा 120 से भारतीय 36, 360, 360 में से घटेगा 120 और बट्टे में आ जाएगा √3, ये लीजिए, ठीक है, अब इसमें से 120 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास से, 240, ये आएगा, देखो बोले 240, 240 बट्टे में √3, हल्का परिमेयगण कर देंगे, हल्का परिमेयगण करते हैं तो क्या करते हैं, √3 से गुणा और √3 से भाग, ये लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 240 गुणा √3 बट्टे में 3, √3 को √3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 3 निकल कर आ गया, 3 से काट देंगे, 3 8 24, आपके पास आ जाएगा 80 √3, अगर आप √3 का मान रखना चाहो तो √3 का मान भी रख कर हले कर सकते हो, जैसे 80 × 1.732, ठीक है, इनको गुणा करने पर दशमलव में मान निकल कर आ जाएगा, और वही हमारा एग्जिट सही आंसर भी निकल कर आ जाएगा, ठीक है, मैं कर देता हूँ गुणा, ठीक है, 8 × 2 = 16, 16 के कितने हो गए 6, भाई 8 से गुणा कर लो, 0 बाद में लगा देना, 8 × 2 = 16, 16 के 6 हासिल किए 1, 8 × 3 = 24 और 1 = 25 हासिल किए 2, 8 × 7 = 56, 56 × 2 = 58 हासिल किए 5, 8 × 8 आठ और 5 कितना हो गया 13, 8 × 5 = 13, 0 पॉइंट लगाना है आपको 3 अंकों के आगे, यानी यहाँ पर, यानी आपका जो उत्तर आ जाएगा वो 138.560 ये निकल कर आ जाएगा, यानी ये वाली जो दूरी है हमारे पास वो 80
3 मीटर, या इसको कह सकते हो आप 138.56 0। मेन तो ये 180√3, ठीक है, ये आंसर निकल करे आ जाएगा आपका। और हमने हमारे जितने भी मैथ्स के वीडियो हैं, ठीक है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही दे रखा है। बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले वो सारी वीडियोस आप देख कर जाना, जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर ही ला सको। और ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।